जैसा कि आप जानते ही हैं, गृह मंत्री अमित शाह की तबीयत नासाद होने को लेकर पूरा हिंदुस्तान चिंतित है और अब भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में आई गिरावट की खबर ने और भी ज़्यादा खलबली मचा रखी है। जी हाँ, अस्पताल से ही ये खबर आज सुबह आई। हेल्थ बुलेटिन में इस खबर को जारी की गई। 10 अगस्त को दिल्ली छावनी के सैन्य अस्पताल में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को एडमिट किया गया था। ब्रेन सर्जरी उनका किया गया था, जिसके बाद वो आईसीयू में गए। आईसीयू में अभी भी वो हैं। आईसीयू में यानी कि आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन उन्हें मशीन के सहारे दिया जा रहा है, तकनीक के सहारे दिया जा रहा है, सांस लेने में उन्हें तकलीफ है। और ब्रेन सर्जरी के बाद अब एक और खबर ये आई है कि प्रणब मुखर्जी के फेफड़े में इन्फेक्शन होने के संकेत सामने आ रही है। डॉक्टरों का ये कहना है, वेंटिलेटर पर ही इलाज अब तक उनका चल रहा है। डॉक्टरों की जो टीम है वो पूरी तरह से अपने निगरानी में प्रणब मुखर्जी की सेहत को लेकर कोई भी लापरवाही ना करने के लिए दिन रात एक कर रही है। 84 साल के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को जब से हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, बड़े बड़े तकलीफ को उन्हें सामना करना पड़ रहा है। दिमाग में जिस तरह से ब्लड क्लॉट वहां पर इकट्ठा हो गया, उसे निकालने के लिए उनका फौरन ऑपरेशन किया गया था और तब से ही प्रणब मुखर्जी कोमा में है। कोरोना वायरस से संक्रमण होने की भी पुष्टि हुई। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अब उनकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ गई है। लंग में इन्फेक्शन की वजह से वेंटिलेटर सपोर्ट में रहने के बावजूद उनकी स्थिति में खास सुधार नहीं है। आर्मी सर्जन रेफरेंस हॉस्पिटल में उनका इलाज राजधानी दिल्ली के अंदर चल रहा है, लेकिन अब तक वो सेहत में सुधार का सामना। प्रणब मुखर्जी ने इससे पहले ट्वीट करके खुद इस बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था, ऑन अ विजिट टू द हॉस्पिटल फॉर अ सेपरेट प्रोसीड्यूर आई हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 डोनर आई रिक्वेस्ट द पीपल हु केम इन कॉन्टैक्ट विद मी इन द लास्ट वीक टू प्लीज सेल्फ आइसोलेट एंड गेट टेस्टेड फॉर कोविड-19 सिटीजन मुखर्जी टैग करते हुए प्रणब मुखर्जी ने ये लिखा। गौर करने वाली बात यह है कि उनकी स्थिति जो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई और बिगड़ती ही जा रही है। साल 2012 से साल 2017 पाँच साल तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहने वाले प्रणब मुखर्जी की बुढ़ापे की वजह से बीमारी और तेजी से बढ़ रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।